हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी अपडेट है लोक सेवा आयोग की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर ओ आर 2016 मीन्स की डेट, और साथ ही इसमें डिस्कस करने वाले हैं एल टी ग्रेड SST हिंदी SST और हिंदी का रिजल्ट कब तक आ सकता है, साथ ही ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। देखिए सबसे पहले डेट देख लेते हैं कि क्या डेट घोषित की है आयोग ने। तो RO 2016 की मेंस जो मुख्य परीक्षा है 1 नवंबर को होगी। आयोग की तरफ से इसकी घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग RO यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की मुख्य परीक्षा 1 नवंबर को कराएगा। बुधवार को परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र की ओर से सूचना जारी कर दी गई है, जबकि प्रारंभिक परीक्षा पूर्व में घोषित 3 मई को ही कराई जाएगी। तो आप लोग सोच लीजिए कि जो तय समय पर परीक्षाएँ आयोग कराने की लगातार कोशिश कर रहा है, और इस तरीके से आप भी अपनी स्ट्रेटजी को तैयार रखिए। अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से बनाइए कि जो टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। वैसे भी 2016 RO AR एक गोल्डन चांस है उन लोगों के लिए जिसका इसमें रजिस्ट्रेशन है, या जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था लेकिन रजिस्ट्रेशन है उसका, तो वो भी एग्ज़ाम दे सकता है। बाकी नए लोग इसमें फॉर्म या रजिस्ट्रेशन नहीं भर सकते, लेकिन हाँ जिन लोगों का है वो दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो है कंपटीशन काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि इसमें लगभग अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पहले जितने लोग बैठे थे उससे कम ही बैठेंगे। पहले भी 52% ही लोगों ने ये परीक्षा दी थी, और इस बार तो काफ़ी एग्ज़ाम हो चुके हैं, काफ़ी लोग सिलेक्शन भी ले चुके हैं, तो इसमें लगभग 40% के आसपास लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो साथ तो ये मान लीजिए आप कि ये एक गोल्डन चांस है, और पूरी जी जान लगा दीजिए। मेंस की भी डेट क्लियर हो गई, स्मार्ट स्ट्रेटजी आप लोग बना सकते हैं। तो ये रही RO 2016 की मुख्य परीक्षा के बारे में बात, और इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2016 में RO के 303 पदों की भर्ती निकाली थी। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 27 नवंबर 2016 को 2 पाली में प्रदेश के 31 जिलों में 827 केंद्रों में कराई गई थी। परीक्षा के लिए 385,192 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, उनमें से 204,900 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। तो इतने लोगों ने पंजीकरण कराया था, तो इतने लोग जो पंजीकरण जो करा चुके हैं, और जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं भी दिया था वो भी इस बार दे सकते हैं। तो ये तो मेंस की डेट के बारे में रहा। तो और आगे देख लेते हैं LT ग्रेड SST और हिंदी के रिज़ल्ट। देखिए LT ग्रेड SST और हिंदी का रिज़ल्ट भी जल्द आ सकता है। जैसे कि कल शमशेर सिंह जो प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अवगत कराया कि जो 13 विषयों की फाइल भेजनी है वो एक साथ भेज दी जाएगी। 2 विषयों की जा चुकी है, तो इस तरीके से ये 13 विषयों की ज्वाइनिंग एक साथ हो जाएगी। LT ग्रेड की SST और हिंदी दोनों सब्जेक्ट की उन 13 विषयों के साथ ज्वाइनिंग कराई जाएगी। और आयोग में जो है 31 जनवरी को एक मीटिंग है, जिसमें इसके संबंध में कुछ निर्णय लिया जा सकता है। SST और हिंदी के रिजल्ट के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि SST और हिंदी का रिजल्ट भी 12 फरवरी तक आ सकता है, या 10 फरवरी तक, या मान लीजिए कि फरवरी के फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट आ सकता है। फर्स्ट वीक तो मुश्किल है, लेकिन सेकंड वीक तक ज़रूर रिज़ल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो वहाँ से प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से ही ये जानकारी दी गई है कि LT ग्रेड SST और हिंदी का रिज़ल्ट बहुत जल्द आएगा, और इन 13 विषयों के साथ SST और हिंदी सब्जेक्ट की भी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। और उम्मीद है अगर सब कुछ सही रहा तो अप्रैल तक सभी लोग LT ग्रेड के जितने भी लोग हैं, जितने भी विद्वान साथी हैं, उन सभी को अप्रैल तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी, या अप्रैल तक अपने स्कूलों में होंगे। तो यही है दुआ तो कि सबको ज्वाइनिंग मिले, LT ग्रेड के SST और हिंदी वालों के साथ भी न्याय हो। और काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, काफ़ी मेहनत कर चुके हैं। प्रतियोगी मोर्चा ने पूरी अपनी जी जान लगा दिया है, तो इन सब की मेहनत का भी फल मिलने वाला है, फरवरी में रिज़ल्ट आ जाएगा। और बस यही उम्मीद है, और
सूत्रों से यही जानकारी मिल रही है। 31 जनवरी को बैठक है, तो इसमें पूरी उम्मीद है कि इसके बारे में निर्णय ले लिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस यही अपडेट थी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।